हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आर्क रंजन, अपना यूट्यूब चैनल एस के साइंस क्लासेज में दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जो हमारा सेट चल रहा है, जो क्रैश कोर्स बैच चल रहा है, उसी का ऑब्जेक्टिव का संस्कृत का सेट लेकर आए हैं। ऑब्जेक्टिव पूरा इसमें ठीक है, एक सेट। दोस्तों, एक आप छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं उस सेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जो भी अगर नए हैं तो जो पूरा क्रैश कोर्स का बैच चल रहा है उसका प्रत्येक सब्जेक्ट का सेट डाला गया है, वो सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट में भी लिंक है इस सब का, जाकर देख लें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है कि मनह जोड़ रथी रथ की संधि होगी, मनह जोड़ रथ की संधि क्या होगी। दोस्तों, मनह जोड़ रथ की संधि होगा मनोरथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नैनम का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए, संधि मतलब क्या होता है, जुड़ना, और संधि विच्छेद मतलब क्या, संधि को विच्छेद करना, बांटना। तो नैनम का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अनम होगा, क्या होगा, ने जोड़ अनम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि अ जोड़ ई से कौन सा वर्ण बनेगा, कौन सा वर्ण बनता है, अ प्लस ई से क्या बनेगा। ठीक है, तो अ प्लस ई से बनता है ए, क्या बनता है, ए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार हमारा है कि यदि यदि प्लस अपि किस संधि का उदाहरण है, यदि जोड़ अपि किस संधि का उदाहरण है। देखिए, इसमें जब दी लिखा है, ई जो क्या है, स्वर लगा है, अब प्लस आगे क्या आ गया हमारा, ये भी स्वर। जब स्वर स्वर की बात होगा तो होगा हमारा कौन होगा, जब स्वर स्वर का बात होगा तो हमारा हो जाएगा आपका कौन, स्वर संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। गुरुव प्रश्न पृशंति, रेखांकित शब्द, रेखांकित जो पद है वो कौन से भक्त हैं। गुरुव, गुरुव प्रश्न पृशंति, यानी गुरु प्रश्न पूछते हैं, इसमें रेखांकित जो गुरुव है वह कौन सा विभक्ति है। तो दोस्तों, गुरुव जो है ये प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रागी किस विभक्ति का रूप है, रागी पंचमी सप्तमी चतुर्थी द्वितीय। ये रागी मतलब क्या होता है, राग मतलब राजा, रागी मतलब क्या, रानी। तो ये रानी रागी जो है ये हमारा सप्तमी विभक्ति का रूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अस्मद सर्वनाम शब्द का षष्ठी विभक्ति बताइए, अस्मद का षष्ठी विभक्ति आपको बताना है। तो अस्मद का षष्ठी विभक्ति अस्माकम होता है, क्या होता है, अस्माकम, हमारा क्या होगा, अस्माकम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, नदीसु ये कौन विभक्ति है, रेखांकित पद जो है इसमें कौन सा विभक्ति है। तो दोस्तों, बालके बालके बालकेसु जो भी आता है, येसु का बात होगा तो वहाँ पर क्या बात होगा, सप्तमी भक्ति, कौन सा भक्ति। अगर आपको ये पता नहीं है तो कम से कम आप एक काम, हमारा बात मानिए कि सहचर संस्कृत व्याकरण ले लीजिए, उसमें या कोई भी व्याकरण, उसमें जो दिया है हमारा धातु रूप दिया है उसको, सॉरी धातु रूप नहीं शब्द रूप, उसको पढ़िए, उसमें टोटल दिया गया है, शब्द रूप जो होता है ना जी, ये शब्द रूप से ही बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भवामी किस धातु का रूप है, भवामी किस धातु का रूप है। दोस्तों, भवानी जो होता है ये भू धातु का रूप होता है, किस धातु का, भू धातु का, किस धातु का, भू धातु का। अगला क्वेश्चन है कि जही किस लकार का रूप है, जही, जही किस लकार का रूप है, लट लकार का, लंग लकार का, लोट लकार का, लिट लकार का। तो जही होता है ये हमारा लोट लकार का रूप होगा। सह व्याघ्रात विभेति, रेखांकित पद में किस प्र किस लकार का प्रयोग हुआ है। विभेति जब बात होगा ती तो अंति, तो वहां पर बात होता है हमारा लट लकार का। यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर क्या है, ती आया है। तो ती मतलब क्या होता है, लट लकार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे।
पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? पाणिपादम, पाणिपादम किस समास का उदाहरण है? तो पाणिपादम जो होता है ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि पीतम अमरम यश स का समस्त पद क्या है? पीतम अमरम यश स का समस्त पद क्या है? पीताम्बरम, पीताम्बर, पीताम्बर, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। पीतम यम्बरम अस्य स का समस्त पद होगा पीताम्बर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिदिन क्या विग्रह करें? तो प्रतिदिनम का विग्रह होता है दिनम दिनम, क्या चीज? दिनम दिनम इति, दिनम दिनम इति। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास का सही उदाहरण है, इनमें से कौन? यथाशक्ति या राजपुत्र, दशानन या पीताम्बर। तो अव्ययी भाव का सही जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। अगला क्वेश्चन है कि रामेण सह सीता वनम गतवती, राम के साथ सीता भी बन गई। तो बोल रहे कि रामेण जो रेखांकित पद है, यानी कौन रेखांकित है? रामेण, रामेण में तृतीय विभक्ति का कौन सा सूत्र लगा है? कौन सा सूत्र लगा है? देखिए, सहार्थे तृतीया, अनुक्ते कर्तरी तृतीया, करणे तृतीया, रुच्यार्था नाम। यहाँ पर क्या है? सह आया है, तो जिससे देगा कि मोहन के साथ सोहन भी जाता है। तो जहाँ पर साथ की बात आ जाए तो वहाँ पर कौन होता है? साथ, सहार्थे होता है। कौन होता है? सहार्थे तृतीय की बात होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अपदान कारक किस विभक्ति का प्रयोग होता है? जो अपदान कारक है उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? कर्ता नेको सेको से कामे है, कोई पूरा याद होगा। कर्ता चिन्ह जी कह रहे कि कर अपदान में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अपदान, अपदान किस नंबर पर है? पांच नंबर पर है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान से को के लिए अपदान से, यानी कि अपदान किस नंबर है? पांच नंबर। कौन होगा? पंचमी भक्ति होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, वाक्य के रेखांकित पद की सप्तमी भक्ति क्या होगा? कविसु, कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, वाक्य के रेखांकित पद में सप्तमी भक्ति विधायक है, यानी किसका? यत्सच निर्धारण। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान है डॉट 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 नमः, रिक्त स्थान की पूर्ति किस पद से होगी? तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है? गणेशाय नमः होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, गणेशाय होता है। गणेशाय नाम नहीं होता, गणेशाय होता है, नहीं गणेशा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अभिज्ञान पद में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अभिज्ञान, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगता है? तो प्रत्यय लगता है वाक्य के शब्द के अंत में, और उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के पहले। तो इसमें उपसर्ग कौन लगा है? अभि। क्या लगा है? अभि। इसका आंसर क्या होगा? अभि होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अति उपसर्ग से निर्मित शब्द है, अति से इसमें कौन सा उपसर्ग, अति उपसर्ग से इसमें कौन शब्द बना हुआ है? अति से क्या बना है? अतिश। क्या बना है? अतिश। अगला क्वेश्चन है गतवा में प्रयुक्त प्रत्यय, तो आखिर कहा था, कह रहा है कि गतवा में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो दोस्तों अक्तवा का लगता है अक्तवा लगता है, क्या होता है? अक्तवा। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में है। ये प्रत्यय कृदंत वर्ग प्रत्यय है, तद्धित और सॉरी स्त्री प्रत्यय तथित का वीडियो डाला गया, उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए तथित आ गया, मानव पद में किस तथित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? जिसमें वह रहेगा, अ रहेगा, उसमें क्या लगता है? अण लगता है। तो कौन होगा? अण प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉरी 23 छोड़ दिए हैं। गच्छन्तं बालकं पश्य रेखांकित पद प्रयुक्त प्रत्यय है, इसमें गच्छन्तं अंतन लगे, गश्तन बाल। तो न क्या होता है? न क्या होता है? सत्री। न क्या होता है? सत्री, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अलग किशोरी पद में प्रयुक्त स्त्री प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय आप देख लीजिए, उसका वीडियो है हमारे, जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं स्त्री प्रत्यय का वीडियो अच्छी तरह से। देखिए किशोरी में कौन सा प्रत्यय है? तो किशोरी हमारा है कौन सा प्रत्यय है? टाप है, इंगीप है, इंगिस है या चाप है? तो किशोरी में हमारा
इंगी पढ़ते हैं, जिसमें ई रहता है जाति देवता रिश्तेदारी रहेगा तो रहेगा इंगिस, और ओ नहीं रहेगा तो क्या रहेगा इंगिप रहेगा। अगला क्वेश्चन, जंतु गुह्याम कह निहित, जंतु गुह्याम तत्व निहित। अगला क्वेश्चन है कि अणुअन कह अणुअन आत्मा। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्रम कस्य तटे अस्ति, पटना पाटलिपुत्र किस नदी किनारे बसा है, गंगा नदी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ऑप्शन कौन डी। अगला क्वेश्चन है कि कस्य शासकस्य शासकस्य काले पाटलिपुत्र नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्ट आसीत, किस शासनकाल में पाटलिपुत्र नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, अति उत्कृष्ट थी। तो क्वेश्चन छूटा है क्या, हमको लग रहा है कि नहीं नहीं क्वेश्चन छूटा है, चलिए ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। अगला क्वेश्चन है कि आलस कथा पाठ के लेखक हैं, आलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो आलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री कौन था, तो मिथिला का मंत्री विद्यापति था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, तो आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छामाराव प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत साहित्य लेखिका में सर्व शुक्ल सरस्वती किसे कहा गया है, संस्कृत लेखिका में सर्व शुक्ल सरस्वती विजयंका को कहा गया है। अगला क्वेश्चन कि भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, भारत की शोभा से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कस्य महिमा सर्वत्र गाए थे, कौन सॉरी किसका महिमा लोग गाते हैं, किसका महिमा सभी लोग या सर्वत्र मतलब सभी जगह गाया जाता है, तो देव की सॉरी भारत की महिमा क्या सभी जगह गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कति संस्कार भवन्ति, कितने संस्कार होते हैं, तो दोस्तों कुल कितने संस्कार होते हैं, षोडश, मैंने 16 संस्कार होते हैं, कितने संस्कार 16 संस्कार होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कदा भवति, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के बाद, मरणानन्तरम्। अगला क्वेश्चन है कि विदुर नीति संकलित पाठ पाठस्य नाम किम अस्ति, विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम क्या है, दिशलोका। अगला क्वेश्चन है कि राम प्रवेश रामस्य ग्रामस्य नाम किम आसीत, राम प्रवेश राम का गांव का नाम क्या था, तो भीखन टोला। अगला क्वेश्चन, स्वामी दयानंद कौन आसीत, स्वामी दयानंद कौन थे, तो स्वामी दयानंद कौन थे, देखिए स्वामी दयानंद कौन थे, तो समाज द्वारक थे, कौन थे, समाज द्वारक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठस्य रचनाकारक, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचनाकार हमारे वाल्मीकि जी हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्याघ्र पथिक कथा रचनाकारक आसित, व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार कौन थे, कौन थे, तो व्याघ्र पथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित थे। अगला क्वेश्चन कि सूर्यपुत्र को आसित, सूर्यपुत्र कौन था, सूर्यपुत्र कौन था, सूर्यपुत्र कौन था। अगला क्वेश्चन कि वर्ण कस्य समनम असंभवम, वर्ण कस्य समनम असंभवम। अगला क्वेश्चन कि काम बिना ज्ञानम भार, किसके बिना ज्ञान भार है, तो ज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना क्या है, काम बिना ज्ञानम भार माने किसके बिना ज्ञान भारी है, तो क्रिया के बिना ज्ञान भारी है। अगला क्वेश्चन है कि संख्या दर्शनस्य प्रवर्तक आसीत, संख्या दर्शनस्य प्रवर्तक कह आसीत, कपिल आसीत, वही इसका इसका आंसर कपिल होगा। अगला क्वेश्चन कि काल पर्यात का क्षयम भवति, काल पर्यात का क्षयम भवति, काल पर्यात किसका क्षय होता है, काल पर्यात से किसका क्षय होता है, तो काल पर्यात से शिक्षा क्या होता है, क्षय होता है। अगला क्वेश्चन कि व्याघ्रपथि कथा, व्याघ्रपथी कथा नीति श्लोक सॉरी व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश ग्रंथ से क्या है लिया गया है।
उद्योगी पुरुष के पास कौन आ जाती है? उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नीतिकार आलस का आलस को क्या मानते हैं? नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? राजा, शत्रु, छात्र, मित्र। तो नीतिकार आलस को शत्रु मानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो जरूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर बताइए। ठीक है, धन्यवाद।